संतों के साथ। आज 8 फरवरी को माता कलिसिया संत जेरोम एमिलियानी का पर्व मनाती है। इनका जन्म सन 1486 में इटली के वेनिस शहर में हुआ था। 15 साल के उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई। वह घर पर अकेला रहना पसंद नहीं करते थे, अतः घर छोड़कर देश की रक्षा करने हेतु वह निकल पड़े। उनके कुशल योग्यताओं को देखकर उन्हें सेना का कमांडर बना दिया गया। 27 अगस्त 1511 में युद्ध के दौरान उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। कैद खाना उनके लिए प्रार्थनालय सा लगने लगा। वह माँ मरियम से कैद से मुक्त हेतु नित्य प्रार्थना किया करते थे। कैद से छुटकारा पाने के बाद वह ईसाई धर्म को अपना लिए। संत जेरोम एमिलियानी वेनिस वापस आकर अपने भतीजे द्वारा संचालित शिक्षा के अधिकारी बन गए, लेकिन इस काम में उनका मन थोड़ा भी नहीं लगता था। वह इस शास्त्र और अन्य धार्मिक कार्यकलापों में व्यस्त होने लगे। इस शास्त्र की पढ़ाई समाप्त कर 1518 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। सन 1528 में इटली में प्लेग महामारी से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे। गरीबों, बुजुर्गों, अनाथों एवं बेसहाय लोगों को देखकर उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा और उसी समय अपना संपूर्ण जीवन इस प्रकार की सेवा हेतु समर्पित कर दिए। वह 6 अनाथालय लोगों के लिए एक सामूहिक आश्रय और बीमार से पीड़ित लोगों के लिए एक अस्पताल का निर्माण किए। संत जेरोम का मिशन कार्य देखकर बहुत से लोग प्रभावित होकर उनके साथ दूसरों की सेवा हेतु जुड़ गए। सन 1532 ईस्वी में संत जेरोम अपने 2 पुरोहितों के साथ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ रेगुलर क्लेरिक्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों, बुजुर्ग माता पिता एवं बेसहाय व बीमार से पीड़ित भाई बहनों की सेवा करना था। सन 1532 में बीमार भाई बहनों की सेवा करते हुए प्लेग की बीमारी से संत जेरोम एमिलियानी की मृत्यु हो गई। सन 1767 में संत पापा क्लेमेंट 13वें ने उन्हें संत की उपाधि प्रदान की। आज संत जेरोम एमिलियानी अनाथों एवं बेघर बच्चों के संरक्षक संत माने जाते हैं। तो आइए आज हम संत जेरोम की तरह बनकर अनाथ बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमार से पीड़ित भाई बहनों की सेवा नित करते रहे। आमीन।